हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे, दोपहर का टाइम हो रहा है, आई थिंक 2:30 कुछ ऐसे बज रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद अब मुझे ऐसे कुछ अलग कपड़ों में थोड़ा सा, हाँ मैं रेडी हो रही हूँ। हम लोग कहीं जा रहे हैं, अभी पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, देखते कहाँ निकलते हैं। थोड़ा सा घर के अंदर ही अंदर बोर हो जाती हूँ मैं, तो देखते हैं किस तरफ को जाएंगे। उसी तरफ को जाएंगे जिस तरफ को रास्ता थोड़ा सा ठीक होगा, ऐसे टूटी फूटी सड़कों पे नहीं जाएंगे और बहुत दूर भी नहीं जाएंगे, देखते कहीं नज़दीक ही निकलते हैं। सुबह से मौसम ठीक था, अब जैसे ही हमने जाने की तैयारी शुरू करी वैसे ही मौसम ख़राब हो गया। बारिश का सब मौसम बन रहा है बाहर। वैसे बारिश एक बार हो भी चुकी है, बट कंपेरेटिवली पिछले दिनों के अभी आज कम है, क्योंकि 3 दिनों से ना बारिश बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हो रही थी 3 नहीं 4 दिनों से। यहाँ धर्मशाला में तो वैसे भी बारिश होती रहती है, पर अभी आज थोड़ी कम है, अभी भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी, देखते निकल जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, धर्मशाला में बारिश हो रही होती है लेकिन आगे पीछे कहीं जाओ तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही होती है, तो मैं बैठ जाती हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन कमेंट आया था कि आप चलते चलते ब्लॉग बनाते हो, तो वो बहुत ही कभी कभी इरिटेटिंग लगता है। तो मैं करूँगी अपने बालों को कोम कल शाम को, आज हाँ सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो सबको। तो 15 अगस्त है आज। पिछली बार हम लोग धर्मशाला जो पुलिस ग्राउंड है वहाँ पे गए थे, बट इस बार हुई तो होगी वहाँ पे परेड वगैरह सेलिब्रेशन जो भी, वो सब कुछ हुआ होगा। बट आपको पता है कि ऐसे टाइम में जाना वैसे ही सेफ नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं गए, आज कहीं पे भी नहीं गए। पिछली बार तो हम लोग सुबह ही जल्दी उठ के वहाँ पे गए थे, फिर पूरा जो प्रोग्राम था वो हमने देखा था, लास्ट का नहीं देखा था, बट 2-3 घंटे हमने अच्छे खासे वहाँ पे बिताए थे। तो आज हम कहीं नहीं गए, तो यही रीज़न है। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए निकल लेते हैं, कल संडे है, फिर कल अगर मन करेगा तो कहीं जाएंगे, नहीं करेगा तो कल रेस्ट करेंगे। आज हमने सिर्फ ब्रंच किया है, कोई मतलब स्पेशल कुछ नहीं बनाया, बट कल रात को बने थे लेमन राइस, तो उसकी रेसिपी मैंने कैप्चर करके रखी है, बेसिक से तरीके से बनाए थे मैंने। आप लोग किस तरीके से बनाते हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में। और आजकल मैं कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमेंट्स पढ़ नहीं रही हूँ, एक एक कमेंट सबका मैं पढ़ती हूँ, पर रिप्लाई नहीं मैं अभी कर रही हूँ। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि आप कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करते हो। पर आज का जो गैप है व्लॉग का वो ज़्यादा ही होगा, 2-3 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो यही बात थी। मतलब ये था कि सोए रहते फिर क्या लाइफ स्टाइल दिखाऊँ आपको, ना सोए रहना कोई वो नहीं है ना दिखाना आपको। और एक कमेंट ये भी आया था कि आजकल की जो लड़कियां हैं उनको रेस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, हमारे टाइम पे हम लोग मतलब 21-22 साल में जो है बच्चे हो जाते थे, तो हम लोग पूरा काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, घर का काम जो होता है झाड़ू पोछा वो सब कुछ मैं करती हूँ, बस मुझे किचन में दिक्कत है क्योंकि मुझे स्मेल आती है, हर चीज़ से स्मेल आती है किचन में, तो इसलिए मैं किचन का नहीं करती, बट वो भी कभी कभी मैं भी कर देती हूँ। वैसे आजकल अभी फ़िलहाल तो नीरज ही कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं भी करती हूँ। बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बारिश तेज़ हो गई है, देखते हैं जब तक रेडी होते हैं कम हो जाएगी बारिश तो ठीक है, नहीं तो आराम से निकल जाएंगे 3 बजे 4 बजे जैसे भी होगा। थोड़ी देर के लिए तो निकलना, बहुत देर के लिए नहीं निकलना। कल शाम को भी हम गए थे, पर हम लोग यहीं पे मार्केट दूध वगैरह लाने तभी गए थे क्योंकि लेट ज़्यादा हो गए थे रात को, इसलिए तो मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी, इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, पर आज मैं फ़ोन लेके जाऊंगी तो मैं शूट करूंगी। तो चलो मैं रेडी हो लेती हूँ, उतने में आप जो है लेमन राइस की और कल शाम को जो हमारा चाय से लेके मैंने किया था वो इंजॉय कर लो, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो चलो
तो चलिए फिर लेमन राइस बनाना करते हैं शुरू। तो यहाँ पे चावल जो है वो मैं बॉईल करके बना रही हूँ। तो यहाँ पे बॉईल करने थोड़े से, अगर मतलब कच्चे भी हो तो भी चलेगा क्योंकि हमें इनको बाद में भी पकाना है, बट अगर पूरे भी पक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया है मैंने, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ये तीन चार टुकड़े जो आपको पहले दिखाई दे रहे थे ये हींग है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा, और ये डाल दिए मैंने इसमें राई। तो बस इसको थोड़ा सा जो है पकने देंगे। साथ में एक हरी मिर्च डाली है मैंने, आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो आप जो है थोड़ी सी और मिर्च डाल सकते हैं, बट मैंने एक ही हरी मिर्च काटी है। और यहाँ पे ये जो दाल है ये है चने की दाल, दले चने जो होते हैं वो, तो वो मैंने थोड़ी सी डाली है। और थोड़ी सी ये उड़द की दाल डाली है, उड़द धुली उड़द है, ये ऑप्शनल है दाल जो है, मतलब चने की दाल तो अच्छी लगती है, उड़द की दाल आपकी आपकी मतलब मर्जी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना रहने भी दे सकते हैं। तो इसको जो है 25 से 30 सेकंड के लिए ऐसे भुनेंगे, तो ये जो है अच्छे से पक जाएंगी मसाले और दालें, फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। तो ये लाल मिर्च जो है ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप जो है दो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने एक ही डाली है यहाँ पे। तो आप अपने तीखे के हिसाब से कितना तीखा खाना पसंद करते हैं, कितना लाइट चाहिए आपको, उसी हिसाब से मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो ये कड़ी पत्ते हैं, इनको मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर अगर इनको मैंने पहले ऐड कर दिया होता तो ये फिर पूरी तरह से जो है जल जाते हैं, फिर इनका फ्लेवर नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी बाद में जैसे ऐड किए। तो चलिए अब सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। मैंने ऐड की हल्दी, हल्दी इसमें बिल्कुल कम ही डालनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। और ये डालेंगे हम इसमें नमक। तो लेमन राइस जो है बहुत ही हेल्दी होते हैं सबसे पहले तो इसलिए, क्योंकि जो चावल होते हैं उनको हम बॉईल करके बनाते हैं। अगर आपके पास शाम के बचे हुए चावल भी है ना तो उनसे भी लेमन राइस बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली। अब थोड़ा सा मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे इसी में ही, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर ही इनको, हर एक मसाले को जो है 15 से 20 सेकंड इतना ही पकाना है, क्योंकि इतने में ही पक जाते हैं और गैस की जो वो फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो है, हाई फ्लेम पे रखेंगे तो जल जाएंगे, मीडियम भी नहीं रखना है, लो फ्लेम पे अच्छे से पकते रहते हैं मसाले। तो ये देखिए ये चावल जो है मैंने निकाल दिए थे प्लेट में, अब इनको इसमें डाल देंगे। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, आप किसी हिसाब से बना रहे हैं, कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, तो नमक वगैरह जो है उसी हिसाब से डालना है। तो मेरा तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है लेमन राइस बनाने का, आप लोग कैसे बनाते हो वो भी मुझे बता सकते हो। तो इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स करने में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने एक हाथ में जो है वो कैमरा पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो बस इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, और नींबू जो है कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश ही हो तो ही ठीक है, बहुत पुराने नींबू होते हैं तो उनमें थोड़ी सी कड़वाहट हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से पूरा टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे चावल अच्छे से मिक्स कर लिए। तो ये मैंने जो है 1.5 नींबू का रस डाला है इसमें, चावल की क्वांटिटी के हिसाब से ही डालना है। तो ये 1.5 नींबू जो है मैंने निचोड़ लिया था कटोरी में, उसमें से बीज निकाल दिए हैं, और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ना 2-3 मिनट ढक के मतलब स्टीम में वैसे पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो ये नींबू का रस है ये सब इसमें जो है अच्छे से इसका भी टेस्ट आ जाए। तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया, इसके बाद हमारे 2-3 मिनट इसको हम ऐसे ही पकने देंगे। तो ये देखिए लेमन राइस जो है हमारे रेडी हो गए हैं। अगर आपके आपको ये लग रहा है ना कि चावल पहले आपके चिपक रहे हैं, लेकिन जब हम स्टीम देते हैं ना तो फिर वो फिर से थोड़े जो है वो खिले खिले से बन जाते हैं। तो ये देखिए बासमती चावल अगर अच्छे वाले हो तो उसे और भी अच्छा बनता है। आपको तो सराल की तरह सोना है। आपने कब बोला कि जल्दी उठो और तैयार हो जाओ जाने के लिए? तो मैं अब विवेकानंद का बोलूं, उठो जागो भागो आगे। तो हम लोग हो गए रेडी। कैसा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल? हाँ, इनके बाल मैंने काटे हैं। हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो और पीछे रुक तो जा, दिखाने तो दे यार, ये देखो ये देखो और पीछे ये देखो ये देखो। बाय गॉड, अगर मैं लेडीज होती ना तो मैंने घर से बाहर नहीं निकलना। तू लेडीज नहीं, लेडी होती। लेडीज लेडीज, अगर मैं लेडीज होती ना, नहीं कम से कम शुक्रगुजार मानो कि तुम्हारे इतने बड़े हो जो तुमने क्या बोलते उसको घोंसला सा बन रखा था, कम से कम वो थोड़ा सा देखने लायक तो हुआ। आपने कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखा है?
फोटो देखी उसकी? देखिए तो मैंने बताया एपीजे अब्दुल कलाम को देखा आपने? देखा आपने? हाँ, तो वो देखा, कितने अच्छे सेट करके रखते हैं तुम्हारी तरह नहीं। सेटिंग के मामले में मोदी जी हैं बस, बाकी मैंने कोई नहीं देखा जो सेट करके रखता। तो हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए। आधे सर हाय कर दे बिट्टू। हाँ देख, फिर तो ऐसा क्यों बन जाता है? चल वो पहन, शूज, सॉक्स और शूज पहनो अपने। तुम भी पहनो शूज। तो हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। चलो यार थोड़ी देर के लिए रुकी है बारिश, बारिश रुकी है एटलीस्ट। तो गाड़ी में जैसे तो बैठ जाए, बारिश रुके रुके। हाँ पर गाड़ी चलेगी तब जब बारिश नहीं रुकी होगी। बारिश पड़ेगी तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। पैसे अलग लगेंगे मैडम जी। आज मैं ये वाली चप्पल पहन रही हूँ जो मैं लेके आई थी। यूपी में जब टैक्सी करने जाते हैं ना, मैंने ये बस यूपी में देखा, वहाँ पे टैक्सी वाले बंदे पे भरोसा नहीं करते कि ये पैसे दे देगा जब पूरा चलने के बाद। मतलब बीच पहला जो पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे खड़ी कर देगा हमेशा। साफ पेट्रोल लगवा दो 500 रुपए। एक बार हमने ओला करी ना, वो थी वैगनार है ना, बोलता कितने थे हम लोग? 4 लोग थे और बच्चे थे, बच्चे यही थे आदित और दीदी का बेटा। भाई इतने लोगों के लिए नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। है वहां पे बड़ी खतरनाक, अगर मार्केटिंग स्किल्स जो है ना वो यूपी के लोगों में बहुत बढ़िया, मैं बोलूँगी अच्छी बात है। वहाँ के दुकानदार दुकानदारी करने बैठते हैं, एक्चुअल में दुकानदारी करना जानते हैं। वहाँ पे ग्राहक होने आने थे। हाँ वहाँ पे पहली बार अगर तुम किसी की दुकान में जाओगे ना, उसको लग जाएगा पता कि पहली बार आया है। हाँ। तो तुमको फ्री में सामान देके जाएगा पर खाली हाथ नहीं देगा। हाँ ये वहाँ की खासियत थी, वहाँ के लोगों को कस्टमर बनाने आते हैं, इज्जत। बेशक उसको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, बट वो पहली बारी में अपना फायदा नुकसान नहीं देखता, मतलब कस्टमर वो बनाएगा ही बनाएगा अपना, तो ये होता है। तो चलो हम लोग भी निकलते हैं, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक ज़रूर कर देना, रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर बता देना। तो चलो देखते हैं, जहाँ भी जाएंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिर बाय।